नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। राइट गाइस, ये जो क्लास है आपकी कंप्यूटर की क्लास है और हम जो कंप्यूटर में पढ़ रहे थे उसके टॉपिक का नाम है मेमोरी। राइट, मेमोरी में हम क्या पढ़ चुके हैं, तो मेमोरी में जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी रैम और रोम के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं पता है रैम रोम के बारे में पूरा डिटेल, तो इसके पहले वाली क्लास में आप देख लेना। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया सेकेंडरी मेमोरी। राइट, सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्वेंशियल होता है, एक नॉन सिक्वेंशियल, यानी कि एक आपका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एक्सेस जिसे कहते हैं डिवाइस। ठीक है, उसमें आप कहीं पर भी आपको जाना है, जो भी आपको फोल्डर चाहिए, जो भी आपको फाइल चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप डायरेक्ट जा सकते हो, है ना। कि आज से 10 से 15 साल पहले हम जा सकते थे, नहीं, पहले टेप चलता था, VCR वगैरह चलते थे हमारे मम्मी पापा के ज़माने में। ठीक है, यानी जब हमारे मम्मी पापा जब उस समय 18-20 साल के हुआ करते थे, तब की बात बता रही। उस समय ये सब जो आज इतना मतलब क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम हर एक चीज़ को तुरंत कर पा रहे हैं, है ना। पहले ऐसा नहीं था, है ना, बिल्कुल भी नहीं था। पहले शादी की कैसेट वगैरह बनने के लिए VCR का कैसेट बनता था, क्योंकि उस समय यही सब चल रहा था। ठीक है, गाना सुनने के लिए लोग टेप खरीदते थे, टेप वाला जो कैसेट होता था, है ना, जिसमें रील होती थी, रील वाला आगे पीछे करके उसे घुमाते थे, तो वो चलता था। ठीक है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो भी सुनना होता है, हम डायरेक्ट उस गाना को सुनना है या फिर कोई मूवी को देखनी है, हम डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं या फिर गूगल पे जाके हम क्या कहते हैं, वॉइस के द्वारा हम बोल देते हैं तो तुरंत हमें आंसर मिल जाता है। वो भी हमारी भाषा में, हम जिस चाहे उस लैंग्वेज में हम सुन सकते हैं, है ना। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसी में हम आगे बढ़ रहे थे, यानी कि हम बढ़ रहे थे सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। राइट, सेकेंडरी मेमोरी में हमने पढ़ लिया है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, ऑप्टिकल डिस्क हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यही जो आपका लास्ट टॉपिक है, किसका, मेमोरी का, मेमोरी का जो आज लास्ट टॉपिक है, या तो वो है आपका हार्डवेयर, आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। कल की क्लास में चलेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कैसे पहचानोगे कि ये सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर को हम छू सकते हैं, क्या हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, या क्या हम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम क्लास देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, यानी आज हार्डवेयर की लास्ट क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं फ्लैश मेमोरी। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लैश मेमोरी। इसी फ्लैश मेमोरी में आपके कई पार्ट आ जाते हैं, आप इसमें कई सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे आपका होता है पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव तो खैर आप सभी ने देखा भी होगा और आप यूज भी करते हो, क्योंकि जनरेशन चेंज हो गई है तो हर इंसान को पता है और छोटे बच्चों तक को भी पता है कि पेन ड्राइव क्या होता है ना। या फिर आप कह सकते हो पेन ड्राइव तो अक्सर कहाँ लाओ, अच्छा मैं बताती हूँ, मेमोरी कार्ड। बात रही मोबाइल की, ठीक है, हम अपने मोबाइल में क्या होता है, स्पेस कम रहता है, हम ज़्यादा ज़्यादा डेटा को सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, ना, कहते हैं कैसा है 64 GB का मेमोरी कार्ड ले लो, 64 GB का, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक डाटा आप उसमें क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मेमोरी कार्ड तो यूज करते हैं मोबाइल में, लेकिन जब हम बात करते हैं PC की और आपके लैपटॉप की, उसमें आपका मेमोरी कार्ड काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा, आप जैसे कोई वहाँ पर आपका हार्ड डिस्क काम करता है, राइट, लेकिन ये जो पेन ड्राइव होता है, जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आप कंप्यूटर में कोई चीज़ रखे हो, या मान लो कोई अपने बायोडाटा बना रखा है या कोई फाइल बना रखी है, आपको पेन ड्राइव में बना, मतलब कि आपने कोई प्रेजेंटेशन, मान लो कल आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, और आपसे कहा गया कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, और आपसे कह दिया गया कि अब इस प्रेजेंटेशन को लेकर आपको उस ऑफिस में, यानी मान लो आप कहीं और के रहने वाले और कहीं और जाके आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आप क्या करोगे, या तो उसे मेल पर ले लोगे, है ना। मान लो उस जगह पे आपका मेल या फिर ईमेल काम नहीं कर रहा है, यानी कि वहां पे नेट की प्रॉब्लम है, तब आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, एक प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप यूज करते हो पेन ड्राइव का, है ना। पेन ड्राइव लेके जाते हो, अपने कंप्यूटर के CPU में लगाते हो, और जो भी डेटा है आपका प्रेजेंटेशन बना रखा, उसे वहां से कॉपी करके आप अपने पेन ड्राइव में पेस्ट कर लेते हो, है ना, यानी वहां से कॉपी किया और यहां पे
भी डाल दिया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके कंप्यूटर में वो चीज़ तो है ही है और साथ में आपके कहाँ आ गया, आपके पेन ड्राइव में आ गया। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे जाओगे जहाँ आपका प्रेजेंटेशन है, जहाँ पर आपका सेमिनार है, वहाँ पर कंप्यूटर पर या फिर प्रोजेक्टर पर या जहाँ पर मैं शो कराना, उस डाटा को वहाँ के मेमोरी मतलब कि पेन ड्राइव को लगा के आप उस चीज़ को शो करा के दिखा सकते हो, समझा सकते हो कि हाँ ये ऐसे है, हाँ वैसे है, जो भी आपको करना है। ठीक है, तो ये होता है पेन ड्राइव, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, आ जाओ अब इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये आपका कौन सा है, तो ये आपका अदर डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, तो भैया ये आपका अदर डिवाइस है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लेना, ये क्या है, तो इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फ्लैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी मत लिखो, फ्लैश ड्राइव लिख लो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसे फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है, तो एक छोटा सा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस ये आपका होता है, तो ये आपका पोर्टेबल डिवाइस होता है। पोर्टेबल बताने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टेबल पोर्टेबल से किसे कहते हैं मालूम है ना, पोर्टेबल मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे आप आसानी से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सको। भाई पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है या फ्लैश ड्राइव है, ठीक है, इन सबको आप अपनी जेब में उठा के, यानी इतना ये हल्का होता है कि आप आसानी से, ठीक है, इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हो, यानी ये आपका क्या होता है, पोर्टेबल डिवाइस होता है। यह एक यूएसबी पार्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, कंप्यूटर से जुड़ता है। ठीक है, अब कहोगे यूएसबी पार्ट क्या होता है, सबसे पहले यूएसबी का पूरा नाम जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका होता है, आपने नाम सुना होगा USB, ठीक है, USB क्या होता है, तो इसका आंसर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है ये, आपके फोन जैसे, अब आप कहोगे USB पोर्ट नहीं देखा है, USB केबल नहीं देखा है, तो सबसे पहले देखो USB का पूरा नाम क्या होता है, तो ये आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। बस को पता है ना, एक जगह से डेटा जो दूसरी जगह जाता है, जैसे हम लोग जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार डेटा भी जाने के लिए बस का यूज़ करता है। ठीक है, पर इसका बस वो बस नहीं होता जो हम बस यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके फ़ोन के चार्जर के साथ आपका एक एडेप्टर केबल आता है ना, इस केबल को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करने पर मोबाइल का चार्ज होता है, है कि नहीं, इसी केबल को क्या कहते हैं, USB कहा जाता है। अब बोलोगे आप USB किसे कहते हैं, भाई देखो USB पर देखो, जैसे कि आपका आपने देखा होगा आपका चार्जर होता है ना, ये आपका और ये यहाँ पे एक तार होती है ना, एक केबल होता है जो आपका जुड़ा होता है किससे, आपके मोबाइल से। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ये आपका मोबाइल है, मोबाइल बना दूँ अच्छे से, ये आपका मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल को आप चार्ज कैसे करते हो, वैसे मोबाइल में डाटा डालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो USB क्या होता है, जो कनेक्टर होता है ना, इसके द्वारा एक कनेक्टर होता है जिसके द्वारा आप डेटा को USB मोबाइल के अंदर क्या करते हो, आप कनेक्ट करते हो। क्लियर है, एडेप्टर के साथ आप जब भी मोबाइल लोगे ना, तो चार्जर के साथ आपको एक एडेप्टर मिलेगा, एडेप्टर इस तार को कहते हैं। ठीक है, आप जब भी कोई एक मोबाइल खरीदते हो तो उसमें क्या आता है, एडेप्टर आता है इस केबल में, आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करने पर मोबाइल चार्ज होता है। भाई आपके साथ मोबाइल में चार्जर आता है, USB नहीं समझ में आ रहा, चार्जर तो समझते ही हो, ये चार्जर है, मोबाइल आपका डिस्चार्ज होता है तो क्या करते हो आप, भाई चार्जर लेते हो, चार्जर में एक तार होता है, इसी तार को क्या कहते हैं, USB कहते हैं। आया समझ में, इसी तार को क्या कहते हैं, इसी कनेक्टर को क्या कहते हैं, आपका ये जो केबल होता है इसी को USB कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है USB को इन्वेंट किसने किया था, तो भाई हमारे भारत के अजय भट्ट ने इन्हें क्या किया था, इसे इन्वेंट किया था। किसने किया था, तो अजय भट्ट ने, अजय भट्ट ने क्या किया था, हमारे भारत के एक वैज्ञानिक कह सकते हो आप, ठीक है, यानी जो आविष्कारक हैं, कौन है, अजय भट्ट, भारत के, ठीक है, इन्होंने USB का क्या किया था,
इन्वेंट किया था। अच्छा, अगर विश्व के रूप में पूछा जाए विश्व में किसने किया था, तो विश्व में की बात की जाए, ठीक है, यानी संसार में किसने किया था, तो भैया जगत टीम बर्लन ली ने, ठीक है। अगर बात की जाए वर्ल्ड की, ठीक है, तो वर्ल्ड में आप संसार में सबसे पहले यूएसबी को किसने बनाया था, तो आपका आ जाएगा टीम बर्नल लीन, ठीक है। ये अजय भट्ट जो हैं आपके इंडिया के हैं, हमारे भारत के हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके यूएसबी, हमारा भारत हर चीज़ में पीछे नहीं है, कुछ चीज़ों में आगे भी है, ठीक है। ये जो आपका तार है यही आपका यूएसबी होता है, ठीक है। हम अच्छा, हम क्या करते हैं तार के थ्रू ही, तो हमारे मोबाइल में मान लो हमारे मोबाइल में कोई डेटा है, ठीक, सपोज डेट मान लो हमारे मोबाइल में कोई डेटा है, अब उस मोबाइल से डेटा हमें डालना है किस में, अपने कंप्यूटर में डालना है, अपने पीसी में डालना है, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल अब तो नेट का ज़माना आ गया है, नेट से हम कनेक्ट करके या फिर वाईफाई से कनेक्ट करके हम एक दूसरे को मतलब शेयर कर देते हैं। पहले क्या था, आपका यूएसबी केबल आता था, ठीक, उसमें क्या करते मोबाइल से कनेक्ट मतलब कि डेटा लगा के यहाँ पे फिर आपके कंप्यूटर से उसे कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। यानी कि जैसे पहले, अभी की बात नहीं कर रही मैं, कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर का आपका सीपीयू है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, अपने मोबाइल में यूएसबी केबल लगाते थे और अपने अपने सीपीयू में कनेक्ट कर देते थे, और इसमें से जो भी डेटा है उसको, वो डेटा ऑलरेडी सीपीयू में आ जाता था, तो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता था, और हमें जो भी चेंजिंग करना रहता है तो वो हम कर लेते थे। तो उस समय यूएसबी चल रहा था, फिलहाल अब यूएसबी का तो यूज आज भी होता है भाई, हम भी अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं किसके द्वारा, तो यूएसबी केबल के द्वारा ही तो होता है, कुछ लेन देन की लेन देन का जो काम होता है यूएसबी के द्वारा ही होता है आज भी। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, फ्लैश ड्राइव जो होता है आपका एक छोटा सा अल्ट्रा पोर्टेबल क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, यह एक यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ा रहता है। फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर के बीच के डेटा को और डेटा ट्रांसफ़र करने का एक आसान तरीका होता है, ठीक, क्या काम होता है, तो डेटा को रिसीव करना, डेटा को सेंड करना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डेटा को रिसीव करना, डेटा को रिसीव एंड सेंड, यानी एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजना, ठीक है, और दूसरी जगह से अपने अंदर लेना, ये काम होता है, सेंडिंग और रिसीविंग का काम करता है कौन, आपका ये फ्लैश ड्राइव, डेटा ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान तरीका होता है। इसका जो रेंज होता है, इसकी कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1 GB से लेकर 1 TB तक आने लगा है आपका फ्लैश ड्राइव, क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना। फ्लैश ड्राइव जो है आजकल, अब की बात कर रही हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी में क्या होने लगा है कि चीज़ें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और उसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है बढ़ती जा रही है, ठीक है। चीज़ें पहले क्या थी, पहले से शुरू में कोई चीज़ आता था बड़ा आता था, ठीक है, और उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती थी, उसके अंदर क्वालिटी कम होती थी। अब क्या हो रहा है, तो साइज को कम दिया कर दिया जा रहा है और क्वालिटी को बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। किसमें, आप मैं फ्लैश ड्राइव की बात नहीं कर रही हूँ, आज की जनरेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो जनरेशन आ गया है वो AI का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धि, मशीनों के द्वारा बहुत जगह काम किया जा रहा है ना। जैसे आपके एग्जांपल के रूप में देख लो रोबोट, है ना, जहाँ आप क्या है कि कंपनियों में लोग मजदूरों को कम रखते हैं विदेश वगैरह में, वहाँ पे किसका यूज करने लगे, मशीन का, सामान ढोने का काम, सामान उतारने का काम, सामान रखने के लिए रोबोट लगा देते हैं और उसके अंदर प्रोग्राम फिक्स कर देते हैं, उसे पता है हाँ यहाँ से माल उठाना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ उठाना है, यहाँ रखना है, इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हम सब धीरे धीरे आगे चल के इंसान के बीच में कम, मशीनों के बीच में अधिक रहेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, आज से, आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इन द फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा जनरेशन चेंज होता जा रहा है। पहले के लोग नहीं जीते थे क्या, पहले गांव में लाइट नहीं रहा करते थे या घर में लाइट नहीं रहा करते थे, लोग लैंप जलाते थे, डिबरी जलाते थे, मोमबत्ती का यूज़ करके लोग जीते तो थे, उस समय भी टाइम पास होता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो गया, इंसान आलसी होता जा रहा है और इन सभी टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अपने आप को उसके ऊपर डिपेंड कर दिया जाता है। आज अगर मान लो सपोज
लाइट भाग जाती है और घर में इन्वर्टर मान लो डिस्चार्ज नहीं है तो इंसान बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। मोबाइल भी अगर आपका डिस्चार्ज नहीं चल रहा है तो ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म होगी, कुछ है ही नहीं। और उसके पहले आज से कम कई साल पहले जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल वगैरह नहीं था, तब पर भी तो लोग जीते थे, है ना। तो क्या हो गया, हम अपने आप को क्या बना लिए, आलसी बना लिए हैं, ये बात हकीकत है, ठीक है। चलो तो यही सब है आपका, तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा कुछ है नहीं, फ्लैश मेमोरी में इतना ही है, ठीक है। ये USB पोर्ट से आपका कनेक्ट होता है, इसमें यही चीज़ें रखा है। और हम कल जो क्लास लेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर तो पढ़ लिए भाई, हार्डवेयर ऐसा होता है इसमें छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, और मेरे चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं आता है समझ में, तो आप मुझसे बिल्कुल, आप एक कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर के साथ बनाऊंगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।